फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक्स कवर्स जॉइंटिंग मेथड इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन यूनिट वन बी कवर टॉपिक्स जॉइंटिंग मेथड। जॉइंटिंग मेथड जॉइंटिंग इन जॉइंटिंग मेथड्स ए गुड केबल जॉइंटिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोवाइड ए बेटर सप्लाई ऑफ पावर। केबल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स ऑफ पावर। व्हेन केबल ब्रेक और फॉल्ट और ब्रेक ड्यू टू द मैकेनिकल स्ट्रेस देन वी ज्वाइंट द कंडक्टर सेम। इस ज्वाइंटिंग मेथड में हम ये करते हैं कि एक केबल को ज्वाइंट करते हैं, सेम केबल से ज्वाइंट करते हैं, क्योंकि वो केबल को ज्वाइंट सेम केबल से करें तभी हमारा केबल जो है कंडक्टर से करंट फ्लो कर पाएगा। और हमें यह ध्यान रखना होगा कि केबल मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से और फॉल्ट की वजह से ब्रेक होने की वजह से ब्रेक हो जाता है, तो हमें एक सपोर्ट चाहिए, कनेक्शन का चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ केबल चाहिए, तो हम उसको जॉइंटिंग कहते हैं। इन जॉइंटिंग इलेक्ट्रिकल केबल जॉइंटिंग मेथड जॉइंटिंग ऑफ पावर केबल शुड बी एज सिंपल एज ट्विस्टिंग एंड टैपिंग द वायर। अब जॉइंटिंग में केबल को या तो सिंपल ट्विस्ट करते हैं या तो फिर टैप करते हैं। फॉर जॉइंटिंग ऑफ केबल वेराइटी ऑफ लाइन adapters and connectors are used. Then after types of jointing cable, Western Union splice joint. Western Union splice joint में हम ये करते हैं कि first of all आप figure देख रहे होंगे, इस figure में आप remove the insulation cable, first of all cable का आप insulation को remove करेंगे, then after bring the two conductors to a crossed position and then make a long bend or twist in each wire. आप उसके बाद से रिमूव इंसुलेशन करने के बाद से आप कंडक्टर को ब्रिंग दोनों को क्रॉस सेक्शन को पास लाएंगे और उसके बाद से बेंड करेंगे और ट्विस्ट करेंगे दोनों वायर को। देन आफ्टर रैप द वायर अराउंड द स्ट्रेट पोजिशन इन फोर और फाइव टाइम्स। उसके बाद से आप इस वायर को रैपिंग करेंगे। आफ्टर रैपिंग करने के बाद से आप इसको फिर से इंसुलेट कर देंगे, चूँकि फॉर not any hazardous for any things. आप रैप इसलिए भी करेंगे और रैप करने के बाद इंसुलेट इसलिए भी करेंगे क्योंकि आपको इंसुलेशन ना होने की वजह से आपका एयर से संपर्क में आने की वजह से वो वहाँ पे कार्बन लगने की भी खतरा वहाँ पे बढ़ जाती है। इसलिए हमें रैप करने के बाद इंसुलेट करना होगा बाय द मेथड ऑफ इंसुलेटिंग टेप। देन आफ्टर सेकेंड मेथड इज फिक्सचर मेथड, फिक्सचर जॉइंट, वी कैन से फिक्सचर जॉइंट। ये फिक्सचर जॉइंट में ये करना होता है कि ब्रांच वायर आप जहाँ ब्रांच वायर से जो सप्लाई हो रहा होता है आप उसमें फिक्सचर कर देते हैं, लाइटिंग फिक्सचर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोल्डरिंग कर। दिस इज द टाइप ऑफ ब्रांच जॉइंट कनेक्शन ए थिन वायर और ए ब्रांच वायर टू द थिक वायर मेन लाइन सच एज द दोज यूज्ड इन लाइटिंग फिक्सचर। This can be followed by a soldering and tapping or simply tapping the joint. आप इसको soldering के help से tap करते हैं और simply join करते हैं। Then after wrap the wire of a fixture wire over the bent branch wire. Then we can insulate with the help of insulating tape. And the third method is knotted tap joint. नॉट ए टैप जॉइंट में आप ब्रांच वायर को कनेक्ट करते हैं जहाँ पे दो से अधिक कंडक्टर का यूज़ होता है, वहाँ पे हम नॉटेड टैप जॉइंट का यूज करते हैं। द नॉटेड टैप जॉइंट इज ऑल्सो यूज फॉर द ब्रांच जॉइंट। यहाँ हम ब्रांच जॉइंट में हम नॉटेड टैप जॉइंट को यूज करते हैं, ब्रांच जॉइंट टू कनेक्ट ए ब्रांच वायर टू ए कंटिन्यूस और ए मेन वायर। आप यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो हो करंट को, उसके लिए हम यहाँ पे कंटिन्यूस और ए मेन वायर में हम यहाँ पे टैप जॉइंट करते हैं, इसको कहते हैं नॉटेड टैप जॉइंट। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि एक तीन कंडक्टर्स को एक आपस में जॉइंट किया हुआ है एक पोजीशन पे, तो ये ब्रांच जॉइंट में इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।